अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बनाऊंगी सेवई और सोहारी। तो भगोने में मैं डाल दी हूँ 3 चम्मच घी, उसमें मैं डाल देती हूँ लौंग, इलायची, काली मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ। और घी में दोस्तों हल्का सा भून लेंगे, इस तरह ढक्कन लगा देंगे ताकि लौंग ऊपर ना छटक के आए। तो जब दोस्तों तड़का अच्छे से पक जाए तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। तो अब हम दोस्तों इसमें मैं डाल देती हूँ दूध। दूध दोस्तों मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, आधा आधा लीटर का दोस्तों ये 2 पैकेट दूध है। तो टोटल मैं 1 लीटर दूध डाली हूँ। 1 लीटर दूध में दोस्तों हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों 2 गिलास पानी मैं डाल दी हूँ, इसे मैं चला देती हूँ ताकि दूध में उबाल आ जाए। तो इसे हम हल्का सा ढक देंगे, पूरा नहीं ढकना है, नहीं तो दूध में जल्दी से उबाल आ जाएगा तो पूरा नीचे बह जाएगा दूध। तो इसलिए थोड़ा सा ढक के हम दूध में उबाल आने देते हैं। तो दोस्तों दूध में हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है, तो आज को हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ दोस्तों मीठे के हिसाब से शक्कर। दोस्तों आज बच्चे को स्कूल नहीं है, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि अम्मी सेवई और सोहारी बनाओ। तो दोस्तों मैं नाश्ते में आज बनाऊंगी सेवई और सोहारी। तो दोस्तों शक्कर अच्छे से पिघल गया है, आप देख सकते हैं इसमें शक्कर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब दोस्तों शक्कर अच्छे से पिघल जाए तो इसमें हम डाल देते हैं सेवई। सेवई दोस्तों मैं सूत फेनी कर ली हूँ, ये आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये सेवई दोस्तों गर्म दूध में ही खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों उबलते हुए दूध में मैं डाल दी हूँ सेवई, इसे हम चला देंगे। अब सेवई को दोस्तों हम अच्छे से पकाएंगे, 2 से 3 उबाल आने देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आने देंगे, नहीं तो सेवई बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो इसे चलाते हुए दोस्तों सेवई में आप देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है। तो 3 उबाल अच्छे से आने देते हैं सेवई में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेवई अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया, इसे हम चलाते रहेंगे नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा। तो आज को दोस्तों मैं स्लो कर देती हूँ। तो दोस्तों सेवई में अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये अभी दोस्तों हल्का पतला है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठंडा होएगा दोस्तों तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम दोस्तों अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो सेवई को दोस्तों मैं उतार देती हूँ। सेवई के साथ में दोस्तों खाने के लिए सोहारी बना लेती हूँ। तो मैं गेहूँ का आटा ले ली हूँ, इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। अब दोस्तों नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हम सान लेंगे। आटे को दोस्तों नरम आटा लगाना है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। तो चलिए दोस्तों आटे को मैं सान लेती हूँ। तो दोस्तों आटे को मैं नरम आटा सान ली, सूखा आटा रख लेती हूँ। अब दोस्तों मैं गैस चालू कर देती हूँ। कढ़ाई में दोस्तों ढेर सारा तेल डाल दी हूँ। तो तेल को दोस्तों हम गरम होने देते हैं, तब तक हम सोहारी को बेल लेते हैं। तो हम आटे का डो ले लेते हैं, इसे हम 2 भाग में कर लेंगे। ऐसे हम छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेंगे। तो दोस्तों इसे मैं 2 पेड़े बना ली हूँ, सूखा आटा लगा के हम इसका चकई बना लेंगे। तो दोस्तों इसे सूखा आटा लगा के रोटी के आकार में दोस्तों इसे बेल लेना है, पतली रोटी बेलना है। तो दोस्तों हम रोटी को पतली रोटी बेल लिए हैं, आप देख सकते हैं हम जब घर में मामूली रोटी बनाते हैं उसी तरह हम इसे बेल लिए हैं। ऐसे दोस्तों हम कट कर लेते हैं चाकू के सहायते से। इसे दोस्तों हम 2 चीरा लगाएंगे, 1 खड़ा 1 बेड़, इस तरह। तो सोहारी दोस्तों आप देख सकते हैं ये
इस तरह तीन कोण की बन गई है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। अब दूसरी रोटी दोस्तों हम सूखा आटा लगा के इसी तरह बेल लेते हैं। तो इसे भी दोस्तों हम कट कर लेते हैं। इसी तरह हम सभी सोहारी को बना लेते हैं। तो दोस्तों सभी रोटी को मैं बेल ली हूँ, 4 से 5 रोटी को बेल ली हूँ, इसे मैं कट कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो इतना दोस्तों हम तेल में पहले फ्राई कर लेंगे। तो तेल गरम हो गया है, तो गरम तेल में दोस्तों इसे मैं डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूला फूला बना हुआ है। आटा दोस्तों नरम आटा लगाएंगे तब इस तरह ये फूला फूला सोहारी बनेगा। तो दोस्तों ये सोहारी हो गई है, दूसरी डाल देते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। कितना अच्छा दोस्तों फूला फूला बना हुआ है। तो इसे हम दूसरी सोहारी को भी पलट देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम सभी सोहारी को बना लेते हैं। तो दोस्तों सभी सोहारी को मैं बना ली हूँ, ये लास्ट है, तो इसे भी बना के निकाल लेते हैं। इसे दोस्तों उलट पलट के अच्छे से इसे पकाना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये भी सोहारी दोस्तों पक गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बच्चों को नाश्ते के लिए हम निकाल लेते हैं सेवई और सोहारी। तो दोस्तों सोहारी को मैं निकाल ली हूँ, अब सेवई को भी निकाल लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों नाश्ता बन गया है। तो मैं आज बनाई हूँ सेवई, उसके साथ में है सोहारी। तो दोस्तों मैं आज बनाई हूँ सेवई सोहारी। बच्चों को बहुत जिद था कि अम्मी सेवई सोहारी बनाओ। तो नाश्ते में दोस्तों मैं बनाई हूँ सेवई सोहारी। सोहारी के दोस्त साथ में दोस्तों सेवई बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए दोस्तों आप सभी भी खाइए, हम सभी भी नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी भी नाश्ता कर लिए हैं, स्कूल में जाना है। आज है दोस्तों स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। तो चलिए दोस्तों आप सभी को मैं दिखाती हूँ, तो लास्ट तक के वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों रास्ते में आप देख सकते हैं ये फूल का पेड़ है, ये बहुत बड़ा फूल का पेड़ है, हरे हरे दोस्तों घास में ये पीला पीला फूल का, आप देख सकते हैं फूल कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फूल का पेड़ है रास्ते में। और आज दोस्तों मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो चलिए दोस्तों हम सभी भी चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा मौसम है यहाँ का। तो आप देखें दोस्तों बेंगलोर का कितना अच्छा मौसम है। तो चलिए दोस्तों हम पीछे के गेट से चले जाते हैं, सामने के गेट से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो पीछे का गेट दोस्तों खुला है, तो हम पीछे के गेट से चले जाएंगे स्कूल में। तो दोस्तों बच्चे गेट तक के पहुंच गए हैं, ये वॉचमैन अंकल गेट खोल देंगे, तो हम सब इधर ही से चले जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्कूल में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एंट्री करके तही जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों नाम लिखना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, तब अंदर जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देती हूँ, यही साहिल का ये पेपर है जो साहिल दिए थे। ये दोस्तों साहिल का मिस है, ये बहुत अच्छी है। तो दोस्तों बच्चे एग्जाम पेपर बहुत अच्छा लाए हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे लाए हैं नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों हम साहिल का चेक कर लेंगे, उसके बाद में समीर का भी चेक करेंगे। तो दोस्तों समीर का भी पेपर चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अब घर के तरफ, अब घर पे जाएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो दोस्तों हम जा रहे हैं घर पे, तो आप देख सकते हैं स्कूल कितनी बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी स्कूल है, अब बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो दोस्तों हम सब आ गए हैं घर पे, तो दोस्तों चैनल पे नए हैं, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय दोस्तों।